अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। क्या आप 58 के बाद भी अपना पीएफ कटवा सकते हैं, क्या आप नौकरी में रहते हुए पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या आप एक मुश्त अपना पेंशन निकाल सकते हैं। ये तीन सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप सिर्फ फॉर्म 10D के द्वारा अपना मंथली पेंशन ले सकते हैं, आप एक मुश्त पेंशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये वाला केस मैं दिखा रहा हूँ, 1986 से लेके 2022 तक 37 साल की सर्विस हुई है, और ये 37 साल की सर्विस की वजह से अब ये अपना फिर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 10D अप्लाई कर सकते हैं, एक मुश्त पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सेकंड सवाल है, क्या हम 58 के बाद भी अपना पीएफ कटवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कटवा सकते हैं। देखो, यहाँ पे पेंशन के ऊपर रोक लगी है कि आप पेंशन 58 के बाद नहीं कटवा सकते हो, लेकिन अगर आप 58 के बाद नौकरी करते हो तो आपका पीएफ कंटिन्यू कटता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो 2018 तक इन्होंने यहाँ ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, मतलब 2018 में 58 के पूरे हो गए थे और जो रिटायर हुए हैं वो 62 में हुए हैं। तो यहाँ पे ईपीएस के अंदर में डेट ऑफ एग्जिट 58 की पड़ गई, और उसके बाद 4 साल तक इन्होंने बाद में भी काम किया है। ये आपको कैसे पता लगेगा? ये पता करने के लिए मैं आपको पासबुक दिखा सकता हूँ। यहाँ पे पासबुक में अगर आप 2018 की पासबुक देखेंगे तो यहाँ पे ये जून के अंदर में अक्टूबर में ये 58 साल कंप्लीट इन्होंने कर ली थी, और 58 से जैसे इन्होंने कंप्लीट किया तो वहाँ पे ईपीएस के अंदर एग्जिट डेट डाल दी गई, और उसके बाद से जो भी इनका पीएफ है वो सारा पीएफ में जमा होने लग गया, पेंशन में 00 अमाउंट डिपॉजिट होता रहा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। फिर हम अगली चीज़ समझते हैं कि क्या ये नौकरी यहाँ पे लगातार कर रहे थे तो क्या ये 2018 के अंदर ही अपना 10D अप्लाई कर सकते हैं? तो इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे क्लेम के अंदर अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे सेटल क्लेम में आपको नज़र आ रहा है फॉर्म 10D, और फॉर्म 10D के अंदर मंथली पेंशन, और यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है 2018 में, मतलब इन्होंने नौकरी करते रहे ये 2022 तक, लेकिन 2018 में ही इनका फॉर्म 10D अप्लाई कर दिया और ये मंथली पेंशन उसके बाद से 4 सालों से ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने तीनों सवाल का आपका आंसर कर दिया है कि अगर आपकी उम्र 58 की हो जाती है उसके बाद भी आप नौकरी कर सकते हैं, जो भी आपका पीएफ कटेगा वो सारा पीएफ में जमा होगा, पेंशन में जमा नहीं होगा। दूसरी चीज़, क्या हम एक मुश्त पेंशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि आप सिर्फ मंथली पेंशन ही अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ अमाउंट इसलिए 0 लिखा है क्योंकि आपको मंथली पेंशन में कितना मिलेगा वो अलग से चेक करना होता है, उसकी भी मैंने वीडियो बना के डाल दूंगा। देखो, मैं पीएफ का काम करता हूँ, मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं सारी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को जो गलत जानकारी होती है गलत जानकारी से बचे। तो अगर आपको ये काम अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप 10 में से मेरे को इस वीडियो के लिए कितना नंबर देंगे, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्ट करना हो तो, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, पर्सनली आपको टाइम दूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए एक फीस लगती है, वो फीस पे करके आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।